कैप्रिकॉन यानी जद्दी। आज आपको अपने बारे में कोई भी बात वाज़े अंदाज में करने या अपने ख्यालात का इजहार करने में काफ़ी मुश्किल पेश आ सकती है। आपको अपने दोस्त अहबाब से मुलाकात करने या बामी गपशप के प्रोग्रामों से दूर रहना चाहिए, वरना कई किस्म की गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। मौजूदा वक्त में किसी तरह की भी नई सरमायाकारी करना या किसी कीमती चीज़ की खरीदारी करना फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। मुमकिन तौर पर आपको किसी ऐसे कारोबार की नाकामी की जिम्मेदारी भी कबूल करनी होगी जिसकी कामयाबी के बारे में आपने दूसरों को यकीन दहानी करा रखी होगी। अपनी बातों को वजाहत से बयान न करने की वजह से आपकी शराकती मामलात दबाव या टेंशन का शिकार हो सकते हैं। एक्वेरियस यानी डेलेव। आज अपनी सेहत की वजह से आपका मूड खराब हो सकता है। इन्हीं जज्बात की वजह से आप अपने हल्का अहबाब से कट सकते हैं या फिर बेचैनी में कोई जज्बाती कदम उठाकर अपने लिए तन्हाई का अजाब समेट सकते हैं। ऐसी कैफियत में दूसरों से खुले दिल से बातचीत करके अपने दिल का गुबार निकालें और अपने हालात को समझने की कोशिश भी ज़रूर करें, लेकिन जब बात आपके प्यारों की हो तो सब एहतियातें फरामोश करके अपने आप को पुरसकून करने की कोशिश करें। शाम में कोई करीबी फ़र्द आपसे मुलाकात के लिए आ सकता है जिसकी वजह से आप अपने मूड को बहाल करने में कामयाब हो सकते हैं, जिससे देखने वाले भी हैरान हो सकते हैं। पाइसेस यानी हूत। आज आपको किसी किस्म के कारोबारी दौरे का प्रोग्राम बनाकर माली मफादात हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और ना ही दलेराना फैसले करके आगे कदम बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप माली नुकसान कर सकते हैं और अपने गैर समाजी रवैये की वजह से आपके करीबी अफराद भी आपसे दूर हो सकते हैं। मामूल से हटकर इकदामात करने से फौरी नतायज का असूल मुमकिन ना होगा। अपने समाजी मंसूबों में कामयाबी ना मिलने से आपके जज्बात मजरूह हो सकते हैं। अपने प्यारों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए अपना शेड्यूल तय करें ताकि आपके जज्बे सलामत रहें और किसी तरह की दिलशिकनी से भी महफूज रह पाएं। एरीज यानी हमल। आज आपको अपने मामूलात की अदायगी में रुकावट महसूस हो सकती है, जबकि आप में दूसरों से लातालगी और बेगानगी के जज्बात भी पैदा हो सकते हैं। ऐसे में अपने दोस्तों के साथ किसी किस्म की लड़ाई झगड़े से अपने आप को दूर रखें और अपने साथ काम करने वालों से भी उलझने से गुरेज करें। आज आपको अपने अमूर में बेहतरी लाने के लिए अपने वजदान पर भरोसा करना पड़ेगा। इन हालात में आप अपने घरेलू अमूर में मसरूफ़ हो सकते हैं, जिससे आपकी तवज्जो मनफी सोचों से हट सकती है। अपने ख्यालात और बेहतरीन आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचाने के लिए ख़ुद को मुतारिक करने की कोशिश करें, वरना सब कुछ ही जामिद होकर रह जाएगा। टॉरस यानी सोर। आज अपने बारे में दूसरों से कोई बात करने को दिल ना चाहेगा, जबकि आप अपने ज़ाती मसाइल के बारे में भी खामोशी इख्तियार कर लेंगे। अपने कारोबारी मामलात में भी आप किसी किस्म के लेन देन में शामिल नहीं होना चाहेंगे। इन कैफियत की वजह से आपको हद दर्जा मुहतात रहना होगा, वरना आप तन्हाई का शिकार हो सकते हैं। अपने आप को समाजी सरगर्मियों का हिस्सा बनाकर मुतारक करने की कोशिश करें और अपने घरेलू अमूर को हल करने की जानब तवज्जा दें, लेकिन याद रखें कि जिस हद तक आप संजीदा हैं और मुकम्मल तगोदो करके इन मामलात को हल करने में मुलव्वस हो रहे हैं, असल में बात इस हद तक ख़राब नहीं है, बल्कि असल में मामला कुछ और ही है। जेमिनाई यानी जोजा। आज अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान आप बहुत बेहतर रवैये और पुरजोश जज्बात से मामूर होंगे, लेकिन सबसे बढ़कर बेहतरी ये हो सकती है कि आप अपने साथ काम करने वालों से मोहतात रहें, क्योंकि इनमें से कोई फ़र्द आपकी बेखबरी से फ़ायदा उठाकर आपकी जड़ें काट सकता है। आपको किसी किस्म की नई कारोबारी सरगर्मियों से इज्तनाब बरतना चाहिए, क्योंकि आपकी कामयाबी के इम्कान खासे कम हैं। आपके लिए बेहतर होगा कि अपने प्यारों की ख्वाहिशात और ज़रूरियात पर तवज्जो दें, क्योंकि आप दोनों बाहमी तौर पर अपने घर की बेहतरी के मंसूबे बना सकेंगे। अपने वसाइल के बारे में गलत तखमीनें मत लगाएं और ना ही किसी गलतफहमी का शिकार हों। कैंसर यानी सरतान। आज आपको अपने जज्बात और एहसास में पैदा होने वाली मुश्किलात या रुकावटों के बारे में दूसरों से मुशावरत करने या अपनी दिली कैफियत का इजहार करने की ज़रूरत महसूस हो सकती है। आपके बारे में उड़ाई जाने वाली बेबुनियाद अफवाह की वजह से आप में भी मनफी जज्बात पैदा हो सकते हैं और नज़रअंदाज किए जाने की सोचें भी गालिब आ सकती हैं। अपने आप को सोचों के दायरों में कैद ना करें,
वरना अफसर्दगी का शिकार हो जाएंगे। अपने आप को अपने बुरे मूड से बाहर निकालने की कोशिश करें, वरना अपने प्यारों के साथ बड़ी बड़ी गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। अपनी शरीक हयात की बात को गौर से सुने, समझें और इन पर अमल करने की कोशिश करें। लियो यानी असद। आज बहुत ज़्यादा मोहतात होने की वजह से आप किसी कारोबारी माहदे को हतमी शक्ल देने और किसी नए काम का आगाज़ करने में हिचकचाहट महसूस करेंगे, जिसकी वजह से आप खातरख्वाह माली मफादात हासिल ना कर पाएंगे। आज मामूल से हटकर आप समाजी तौर पर मुतारिक ना होंगे और इसी बिना पर दोस्त अहबाब से कट के रह जाएंगे। इस तन्हाई से बचें और मोहतात रहें, क्योंकि इसका एहसास आपको बहुत देर से होगा। आपको अपना ज़्यादातर वक्त अपने अहले खाना के साथ गुजारना चाहिए और दस्तयाब खुशियों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए। इससे हटकर अपनी परेशानियों पर काबू पाने की कोशिश करें और अपना एतमाद बहाल करने की कोशिश भी जारी रखें। विर्गो यानी संभला। आज सितारों के असरात की वजह से आप में बदमिजाजी और लातालकी के जज्बात पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके दोस्त आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे और आपको हकायक की रोशनी में ख़ुद को संभालने में मावन साबित हो सकेंगे। आज आप अजीब सी बेचैनी और माली मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। इन हालात और कैफियत में किसी किस्म के महाजराई की जानब मुतवज्जा ना हो और ना ही ऐसी सरगर्मियों का हिस्सा बने जबकि अपने बारे में कोई भी अहम फ़ैसला करके अपने आप को मुश्किलात का शिकार ना बनाएं। अपना एतमाद बहाल रखें और यकीन कर लें कि आपके करीबी अफराद ये सब कुछ जानते हैं, समझते हैं और दिलो जान से आपकी मदद करना चाहते हैं। लिब्रा यानी मीज़ान। आज अपने प्यारों से किसी किस्म की गलतफहमी पैदा होने से आपके लिए किसी बात पर भी तवज्जो देना मुमकिन ना रहेगा। अगर अपने काम की जगह ऐसा माहौल सामने आए तो परेशान ना हो, क्योंकि यह हकीकत से बहुत ज़्यादा बढ़कर नज़र आ रहा होगा, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आज माली फ़वाद हासिल करने के मौके में असर आ सकेंगे, जबकि आपको किस्मत आजमाई से गुरेज करना चाहिए। अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद की जानब भी तवज्जो दें और इनके बारे में भी जानने की कोशिश करें। इसके अलावा अपने प्यारों के मशवरों पर भी अमल करने की कोशिश करें। किसी नई फरकाराना सरगर्मी का आगाज़ करके अपने सुकून और चैन बर्बाद ना करें और ना ही माली नुकसान बढ़ाने की कोशिश करें। स्कॉर्पियो यानी अक्रब। आज आप कारोबारी तौर पर कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा आप मुनाफा बख्श कारोबारी माहदे कर सकेंगे या किसी नई मुलाजमत की तलाश में सुरखरू हो सकेंगे। अपने आप को किसी भी हालात में बहसो तकरार से बचाएं और दूसरों के मुंह ना लगें। अपने बुजुर्गों की नसीहतों पर अमल करने की कोशिश करने से ही अपने आप को मुतमईन और पुरसकून बना पाएंगे। आज आप अपने शरीक हयात के साथ मिलकर अपने तमाम मामलात को ना सिर्फ ये के सुधार सकते हैं बल्कि अपनी मुश्किलात पर भी काबू पा सकते हैं। इसके अलावा अपने बहुत अरसा से अल्तवा का शिकार अधूरे या नामुकम्मल मंसूबों को मुकम्मल करने की कोशिश में भी कामयाब हो सकते हैं। सेजिटेरियस यानी कोस। आज माली दुश्वारियों या अपने घरेलू हालात की वजह से किसी कारोबारी दौरे का इरादा मनसूख कर सकते हैं। आज आपको अपने तवील मंसूबों के बारे में दिलेराना फैसले करने होंगे, हालांकि आपकी राह में बहुत सी रुकावटें हायल हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको ये महसूस होगा कि जैसे आपने अपनी तवानाई ज़ाया कर रहे हैं। आपके प्यार भरे जज्बात आज किसी मुस्बत पेशरफ्त के लिए किसी तब्दीली के मरहले से गुजर सकते हैं। आपको शाम में किसी तकरीब में शमूलियत का दावतनामा मिल सकता है, लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि अपने आप को अपने अहले खाना के साथ ही मसरूफ़ रखें और किसी भी दावत में जाने से गुरेज करें। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं और रोज़ाना अपने आने वाले दिन के बारे में जानिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार करना ना भूलें।